किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। गाइस वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका। तो आज आपका स्वागत मैंने आउटसाइड से किया है, मैं अपने बेटे को डांस क्लास ड्रॉप करके आ रही हूँ। हालांकि ये व्लॉग मुझे घर से स्टार्ट करना था, लेकिन ये जो मैंने इजी सा और सिंपल सा लुक क्रिएट किया है ना समर के लिए, क्योंकि समर के टाइम में बिल्कुल लुक मेकअप लुक सॉरी क्या बोल रही हूँ समर के टाइम में बिल्कुल मेकअप करने का मन नहीं होता, तो ये हल्का फुल्का सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था जो कि आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप उस वीडियो को देख लेना और जैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोग ब्लॉग मेरा ज़्यादा पसंद करते हो, सो मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया था। और बस अब घर चलूँगी और घर भी समेटना है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। और उसके बाद क्या कहते हैं कपड़े वपड़े लेके आऊँगी, फिर बर्तन वगैरह धुलूँगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो मुझे करने हैं। और यहाँ पे लोग हैं भी, पहले मुझे बहुत ख़राब लगता था बाहर से ब्लॉगिंग करना, लेकिन जब काम ही है तो करना ही पड़ेगा। ख़राब लगना नहीं देख सकते, अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इस तरह। तो बस चलिए चलते हैं घर अब। तो अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ और मेकअप मेरा जहाँ का तहाँ ही है। कहने का मतलब है कि ये वाला जो सिंपल सा मेकअप लुक है लॉन्ग स्टे करता है और बिल्कुल भी आपको हैवीनेस फील नहीं कराएगा, बिल्कुल भी आपको पसीना नहीं आएगा, आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे समर के टाइम में इस तरह सिंपल सा लुक क्रिएट करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका लुक भी अच्छा होगा, मतलब आपका लुक भी अच्छा लगेगा, देन आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप कहीं भी जा सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन या फिर कहीं डे आउटिंग है या फिर कहीं पे भी किसी के घर मिलने जाना है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल, तो मतलब कुछ इसमें से स्किप कर सकती हैं, थोड़ा बहुत कर सकती हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं तो वो इस तरीके का लुक क्रिएट करके समर के टाइम में आसानी से अपने आप को अच्छा दिखा सकती हैं। सो मैंने क्रिएट किया और ये लुक पहले ही चला गया है, तो आप देख लेना जाके और वहाँ पे कमेंट करना आपको कैसा लगा। तो मैं तो अभी रिमूव कर दूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा देर मतलब ऐसे भी नहीं रहती, क्योंकि बाबू को लेके आऊँगी तो फिर मैं रिमूव करूँगी, रिमूव करके इवनिंग स्किन केयर अपना कर लूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं जाना नहीं है। फिर मैं कल मॉर्निंग में ये वाला लुक क्रिएट करूँगी क्योंकि मॉर्निंग में बाबू को लेने भी जाती हूँ और पूरे दिन फ्रेश भी दिखना होता है, सो डैट्स वाई। एंड हो सकता है कल इवनिंग मैं अपनी चाची जी के घर जाऊँ। तो ये व्लॉग कहाँ तक कंटिन्यू करूँगी मुझे अभी नहीं पता, हालांकि आज तो नहीं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि एक वीडियो भी जस्ट शूट किया एंड दूसरा अभी स्टार्ट कर दिया है, तो आज तो हिम्मत नहीं है, अभी बहुत सारे काम है पूरा, मुझे अपना मेकअप प्रोडक्ट समेटना है और उसके बाद घर भी बहुत मैसी है, किचन भी थोड़ा बहुत मैसी हो ही रखा है, लंच किया था हमने आफ्टरनून में एंड उसके बाद मैं कभी भी कॉल पर बात नहीं कर पाती हूँ, पता आपको इतना मुझे टाइम नहीं मिलता कि हम कॉल पर बात करें। और आजकल आपको पता है कि फ्री रहता है ना तो लोग जब फ़ोन करते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए एक दूसरे से, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और आज मैं अपनी ननद जी से बात की तो काफ़ी टाइम निकल गया, तो मैं रेस्ट भी नहीं कर पाई, सो आई वॉज सॉरी आई एम फीलिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड सा फील कर रही हूँ। और बाबू को भी मुझे स्टडी कराना है बिकॉज नेक्स्ट मंथ 6 मई से उनका एग्ज़ाम है, सो बहुत 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 सारे काम हैं और गर्मी का आलम तो 38-39 आई थिंक टेम्परेचर चल रहा है, सो बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इतना तो मई जून में चलना चाहिए, आई डोंट नो मई जून में कितना होगा, हाँ मानसून आ जाए क्या पता इस बार जल्दी एंड थोड़ा गर्मी डाउन हो जाए। तो चलें फिर मैं मॉर्निंग में कंटिन्यू करती हूँ, कुछ अलग रेसिपी बनाऊँगी तो वो शेयर करूँगी आपके साथ एंड उसके बाद देखती हूँ कहाँ तक ब्लॉग करती हूँ। ओके okay?
तो मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो मेहंदी दिखाई दी आप लोगों को और अभी सूख भी गई है, इसको धुल दूंगी। और मैं लास्ट मेहंदी लगाई थी ना करवा चौथ का लगाई थी वो पार्लर में, तो अभी मेरा मन हो रहा था कि कीप चलाती हूँ ना, मतलब थोड़ा थोड़ा चलाते रहना चाहिए, इससे क्या होता है हाथ की प्रैक्टिस भी हो जाती है, होती रहती है, और क्या कहते हैं ठीक है जो भी लग जाता है अच्छा ही लगता है। तो बस अभी मुझे खाना बनाना है, टाइम हो रहा है 8:30 का, और आज मैं बिल्कुल रफ फुलिए में हूँ, मतलब मैंने स्किन केयर किया हुआ था मॉर्निंग में एंड हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर मैंने जो है इवनिंग में रिमूव कर दिया था, रिमूव करके स्किन केयर किया है, लेकिन मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डल है इसलिए मैं ऐसे लग रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कुकिंग करने फटाफट से, और इसको हटा दूंगी, अब ड्राई हो गई है, एंड मॉर्निंग में मिलती हूँ। मॉर्निंग में मुझे जाना है और दुरदुरिया खान चबाने और सान माई का, जो कि मैंने शेयर किया हुआ है, थंबनेल साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना वो वाला ब्लॉग अगर देखना चाहते हो कि उनकी पूजा कैसे होती है। थोड़ा बहुत क्लिप भी शूट कर लूंगी कल उनके घर का भी, और जैसे कल मेकअप लुक आपको शेयर किया था उतना ही मेकअप करके जाऊंगी, इससे ज्यादा मेकअप नहीं करूंगी। तो चले मिलती हूँ मॉर्निंग में। जल्दी जाओ हैं, जल्दी जाओ ना, बेटी इतना ही नहीं है। ए, ये हटाओ कुर्सी, चप्पल दे दो, ये हाँ ले लेना, बस थोड़ा सा हमको रख देना, बहुत थोड़ा सा, दो चार लोगों को थोड़ी देना, और वो भी है चना भी। बीजी पर्सन, वीआईपी पर्सन है लकी, हम तो खलिया रहे, जब बुला लोगे चले आगे। बताओ मुझे इधर बिछाई नहीं, जगह तो लग नहीं रही, बराबर बोला ऐसे कुछ यहाँ पे बताया ना। तो बस मैं वहाँ से आ गई हूँ और अब मैं फटाफट से लंच बनाऊँगी, क्योंकि मैंने लंच नहीं बनाया था, 9 बजे तक वहाँ पे जाना था और मेरे हस्बैंड आफ्टरनून में जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट हो गया था सबका, पोहा बनाया था मैंने ब्रेकफास्ट में, एंड लंच का प्रिपरेशन करके गई थी, दाल बना के गई थी, आलू बैंगन बॉयल करके गई थी, पर बनाया नहीं था। यहाँ पर म्यूजिक आया था सो कॉपीराइट आता, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, और बस यही था व्लॉग आज का। आई होप आपको अच्छा लगा, तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलती हूँ नए वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।